नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर में अडानी समूह करेगी निवेश, हजारों नवयुवकों को मिलेगा रोजगार। उत्तर बिहार में गहराया बाढ़ का खतरा, नेपाल में सोमवार से हो रही है लगातार बारिश। वन विभाग अधिकारी के कई ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी, मिली करोड़ों की संपत्ति। बिहार में क्यों कमजोर पड़ा मॉनसून, कब से होगी लगातार बारिश, जाने उमस से कब मिलेगी राहत। बिहार के 14 जिलों में ड्रोन से लैस 5 मोटर बोट से गश्त, मुख्यालय से हो रही शराब छापे की लाइव मॉनिटरिंग। फौरन बंद कर दे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल, बिहार में 1 जुलाई से इस्तेमाल करने पर लगेगा जुर्माना। बिहार में बनाए जाएंगे 62 आरओबी, बोले नितिन नवीन, 3 से 6 माह में शुरू होगा काम। टनका गिरने से बिहार में 16 लोगों की हुई मौत, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का सीएम नीतीश ने दिया निर्देश। दुनिया के 7वें और देश के सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी समूह की सहायक कंपनी अडानी विल्मर उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर में करीब 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अडानी विल्मर की टीम ने जिले के मोतीपुर फूड पार्क और शहर के बेला औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया है। यहां की सुविधाएं का आकलन के बाद अब कंपनी यहां खाद तेल का प्लांट लगा सकती है। बियाडा के अधिकारियों के जवाब पर अडानी समूह की टीम ने संतोष जताया है। अडानी विल्मर कंपनी की 3 सदस्यीय टीम ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के दोनों स्थानों पर भूजल स्तर, बिजली की उपलब्धता, आसपास के बाजार, एनएच, एसएच व रेलवे माल गोदाम आदि इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी ली। तीनों सदस्यीय टीम पहले बेला औद्योगिक क्षेत्र के आईडीपीएल परिसर पहुंची, इसके बाद टीम मोतीपुर पहुंची। टीम का कहना है कि प्लांट लगाने के लिए 40 एकड़ जमीन चाहिए। यह अडानी विल्मर की बिहार में पहली इकाई होगी। इसके बनने के बाद करीब 2000 लोगों के लिए यहां रोजगार के अवसर खुलेंगे। कंपनी के इंजीनियरों की टीम जल्द ही दौरा करेगी, इसके बाद डीपीआर बियाडा को सौंपी जा सकती है। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तर बिहार की नदियों में मंगलवार को उफान आ गया है। बारिश की वजह से कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा सहित दर्जनों नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सीमावर्ती नेपाल के विभिन्न इलाकों में सोमवार की रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जो मंगलवार को भी जारी है। बारिश का असर अगले 24 घंटे में गंडक नदी में दिखने लगेगा। वाल्मीकि नगर गंडक बराज नियंत्रण कक्ष द्वारा आज नदी में 1,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लिहाजा प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को बाढ़ की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया है। मंगलवार की सुबह गंडक नदी के जलस्तर में एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिलहाल नेपाल से होकर बिहार सीमा में प्रवेश करने वाली नारायणी गंडक नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने लगा है। बारिश को देखते हुए जल संसाधन विभाग सतर्क हो गया है, नेपाल के बारिश पर नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे नेपाल में बारिश होगी वैसे वैसे गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता जाएगा। नेपाल में जब भी बारिश होती है उसका असर अगले 24 घंटे के अंदर बगहा, बेतिया, गोपालगंज, मोतिहारी आदि जिलों में दिखने लगता है। नेपाल मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य से अधिक बारिश के आसार हैं। एहतियात के तौर पर गंडक बराज के कर्मी ड्यूटी पर मुस्तैद है, अभियंताओं की टीम चौकस है। मुजफ्फरपुर के सहायक उद्यान निदेशक शंभु प्रसाद के 4 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने मंगलवार को छापेमारी की, जिसमें आय से दोगुनी से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। उन्होंने अपने व परिजनों के नाम पर खूब संपत्ति बनाई है। ईओयू की जांच में उनके पास सिर्फ पटना में शास्त्री नगर में 1 फ्लैट, पटेल नगर में 2 करोड़ रुपए से अधिक का आलिशान मकान तथा संपतचक और पहाड़ी इलाके में जमीन का पता लगा है। इसके साथ ही 6 लग्जरी वाहन, 20 बैंक खाते, 3 लॉकर और बीमा पोस्टल सेविंग में करीब 20 लाख रुपए का निवेश पाया गया है। ईओयू की 4 अलग अलग टीम ने मंगलवार को 4 जगहों सहायक उद्यान निदेशक के मुजफ्फरपुर स्थित कार्यालय मुजफ्फरपुर में ही बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस परिसर के सामने अवस्थित उनके किराए के आवास, पटना के पटेल नगर रोड नंबर 8 स्थित मकान और पटना जिले के बेलछी स्थित पैतृक गाँव फतेहपुर में एक साथ छापेमारी की। जाँच में पाया गया की सहायक उद्यान निदेशक ने अपने बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा कराई है। इनके वेतन खाते में करीब 2 लाख रुपए नगद जमा हुए हैं। इनके पत्नी के नवादा स्थित बैंक खाते में 16.70 लाख रुपए जबकि पुत्र के आईसीआईसीआई बैंक खाते में 11.5 लाख रुपए जमा मिले। इनके दोनों पुत्रों व पत्नी के बैंक खाते में भारी मात्रा में नकदी की जमा व निकासी के प्रमाण मिले हैं। यहां तक कि बैंक ऑफ बड़ौदा से लिए गए ऋण का भुगतान भी इन्होंने नगद जमा कर दिया है।
बिहार में मॉनसून के दस्तक देते ही लोगों ने राहत की सांसें ली थी। लोगों को भीषण गर्मी से अब राहत मिलने की उम्मीदें थी, लेकिन मॉनसून एंट्री लेने के बाद भी कई जगहों पर कमजोर ही पड़ा है। उत्तरी और पूर्वी बिहार में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन दक्षिण और पश्चिम बिहार में अभी भी पर्याप्त बारिश होने का इंतजार है। लोग उमस से परेशान हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उष्मीय प्रभाव के कारण बिहार में मॉनसून का असर कम देखने को मिल रहा है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून आने के बाद 1 जून से 27 तक पूरे प्रदेश में 94.3 मिलीमीटर वर्षा हुई है। यह सामान्य से 28% कम है। प्रदेश में बादल घिर और छट रहे हैं, जिस वजह से बारिश के लिए जरूरी दबाव का निर्माण नहीं हो पा रहा है। वहीं पटना में इस महीने अब तक 62.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बिहार के नदियों से जुड़े दियारा इलाकों में ड्रोन से लैस मोटरबोट से गश्ती के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसका दायरा बढ़ाया है। विगत एक हफ्ते में 4 जिलों के लिए गठित मात्र एक टीम ने करीब 4.52 लाख किलोग्राम अवैध जावा महुआ और 11,915 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त करने में सफलता हासिल की है। इसको देखते हुए विभाग ने 10 नए जिलों के लिए 2 अतिरिक्त टीम गठित की है। इसके लिए उनको 5 मोटरबोट की सेवाएं उपलब्ध करा दी गई है। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकीय धनजी ने सोमवार को बताया कि एक टीम वर्तमान में पटना, बाढ़, भोजपुर, सारण और वैशाली जिले में लगातार गश्त कर रही है। इसके माध्यम से बड़ी मात्रा में निर्मित हो रही देसी शराब का पता लगाकर उसे नष्ट किया गया है। 1 जुलाई से पटना जिले में भी 19 तरह के सिंगल यूज वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इसमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों पर लगाए जाने वाले प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि पर यह प्रतिबंध लागू होगा। इधर पटना जिले में प्रतिबंध लगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू होने के बाद इसका उत्पादन, आयात, भंडारण, बिक्री को अपराध माना जाएगा और ऐसा करने पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने अगस्त 2021 में ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। करीब एक वर्ष का समय इस उद्योग से जुड़े लोगों को दिया गया था ताकि वे अपने स्टॉक खत्म कर लें और इसके विकल्प का इस्तेमाल करने लगे। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि राज्य में 62 आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। इनमें अगले 3 से 6 माह के भीतर 20 पर निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। सोमवार को विधान परिषद में प्रश्नोत्तर काल के दौरान राजद के डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे के अल्पसूचित सवाल के जवाब में पथ निर्माण मंत्री ने यह घोषणा की है। मंत्री ने कहा कि 45 आरओबी पर पुल निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है, निविदा प्रक्रिया में है। बाकी आरओबी की योजना से संबंधित डीपीआर तैयार की जा रही है। कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा के तारकांकित प्रश्न का जवाब देते हुए पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि राज्य के किसी भी हिस्से से पटना आने के लिए स्टेट हाईवे और एमडीआर पथ स्थित लेवल क्रॉसिंग के बदले आरओबी निर्माण के लिए योजना स्वीकृति की प्रक्रिया में है। बिहार में वज्रपात का कहर जारी है। अब तक 16 लोगों की मौत ठनका गिरने से हो गई है। बिहार के 7 जिलों में वज्रपात की चपेट में आने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। सीएम नीतीश ने मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। बता दें कि बिहार के कई इलाकों में तेज आंधी बारिश हो रही है। इस दौरान 7 जिलों में ठनका भी गिरा है, जिसके संपर्क में आने से अब तक बिहार में कुल 16 लोगों की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर, बांका और अररिया में 1-1 लोगों की मौत हुई है, जबकि भोजपुर में 3, पश्चिमी चंपारण में 2, पूर्वी चंपारण में 4 और सारण में 4 लोगों की मौतें वज्रपात से हुई है। एक बार फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। देवघर कोषागार मामले में लालू सहित अन्य के खिलाफ सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए सजा बढ़ाए जाने की मांग की है। बता दें कि इस याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
अधिवक्ता दिवर्सी मंडल ने इस दौरान लालू की ओर से पक्ष रखा। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। सीबीआई की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें लालू समेत अन्य की सजा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि इस मामले में इन्हें कम सजा दी गई है, इन सभी की सजा बढ़ाई जाए। सीबीआई ने कम से कम 7 साल सजा करने की मांग की है, क्योंकि इसी मामले में निचली अदालत ने जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा सुनाई थी, जबकि इसी मामले में लालू यादव को सिर्फ 3.5 साल की ही सजा मिली है। सीबीआई ने कोर्ट से लालू यादव समेत अन्य की भी सजा बढ़ाए जाने की अपील की है। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। भारतीय डाक विभाग ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए बम्पर बहाली निकाली है। भारतीय डाक विभाग ने स्टाफ और कार ड्राइवर पदों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन की मांग किया है। योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भारतीय डाक विभाग के आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन का प्रारूप देख सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग की indiapost.gov.in पर उम्मीदवार सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में कार ड्राइवर उम्मीदवारों के आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2022 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद के लिए निर्धारित तिथि के अंदर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार डाक विभाग के सूचना के मुताबिक कार ड्राइवर उम्मीदवारों के लिए 24 पद खाली है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जाएगा।